दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास से लीजिए प्रस्तुत है एक और प्रश्नावली। इसका पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? विकल्प है भक्ति सागर, सुख सागर, प्रेम सागर अथवा काव्य सागर। और सही उत्तर है विकल्प तीन सी, प्रेम सागर। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिश्चित भाषा का प्रयोग होता था? विकल्प है ब्रज भाषा, मानक भाषा, जन भाषा अथवा खड़ी बोली हिंदी। और सही उत्तर है विकल्प दो, मानक भाषा। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, कोश विज्ञान अथवा अर्थ विज्ञान। सही उत्तर है विकल्प एक, स्वनिम विज्ञान। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु अथवा उपसर्ग। और सही उत्तर है विकल्प दो, पद का। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदिच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी अथवा प्राच्य। और सही उत्तर है विकल्प चार, प्राच्य। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? विकल्प है तासी, ग्रियर्सन, सेंगर अथवा शुक्ल जी। और सही उत्तर है विकल्प दो, ग्रियर्सन। भरत मुनि ने भ्रंश को क्या नाम दिया? लोकभाषा, देशभाषा, जनभाषा अथवा अशुद्ध भाषा। और सही उत्तर है विकल्प दो, देशभाषा। मंडियाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी अथवा पश्चिमी हिंदी। और सही उत्तर है विकल्प बी, पहाड़ी। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963, 1961, 1962 अथवा 1965। और सही उत्तर है विकल्प ए, 1963। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1960, 1967, 1965 अथवा 1969। और सही उत्तर है विकल्प दो, 1967। भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मानक रूप, मौखिक रूप अथवा साहित्यिक रूप। और सही उत्तर है विकल्प तीन, मौखिक रूप। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1889, 1873 अथवा 1885। सही उत्तर है विकल्प तीन, 1873। निम्न में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? आ, ई, ई अथवा अ। और सही उत्तर है विकल्प एक, आ। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहार किस सन में निकला? 1833, 1834, 1835 अथवा 1836। और सही उत्तर है विकल्प चार, 1837। आरोपी परिवार की भाषा नहीं है, केल्टिक, इतालिक, सीओएन अथवा जर्मनिक।
और सही उत्तर है विकल्प सी CON। बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? व्यक्ति बोली, सहायक बोली, उप बोली अथवा वर्ण। और सही उत्तर है विकल्प ए व्यक्ति बोली। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश अथवा छोटा नागपुर। और सही उत्तर है विकल्प चार छोटा नागपुर। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा अथवा बांगरू। और सही उत्तर है विकल्प एक खड़ी बोली से। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस अथवा मगध। और सही उत्तर है विकल्प सी बनारस। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अथवा उत्तराखंड। और सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान में। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश अथवा लौकिक संस्कृत। और सही उत्तर है विकल्प तीन अपभ्रंश। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? शौरसेनी, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत अथवा प्राकृत। सही उत्तर है विकल्प ए शौरसेनी। राष्ट्रपति ने 1955 में जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 11, 13, 7 अथवा 21। और सही उत्तर है विकल्प डी 21। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 13 स्वर 38 व्यंजन अर्थात कुल 51, 12 स्वर 34 व्यंजन 64, 15 स्वर 41 व्यंजन 56 अथवा 14 स्वर 36 व्यंजन 50। और सही उत्तर है विकल्प ए 13 स्वर 38 व्यंजन अर्थात कुल 51। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 7, 8, 9 अथवा 12। सही उत्तर है विकल्प दो 8 स्वर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत नुआयर, इंगित सिद्धांत राय अथवा संपर्क सिद्धांत स्वील। और सही उत्तर है विकल्प डी संपर्क सिद्धांत स्वील, यह सम्मिलित नहीं है। ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल अथवा वैदिक काल। और सही उत्तर है विकल्प बी मध्यकाल की। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, बुंदेली, मगही अथवा मैथिली। और सही उत्तर है विकल्प बी बुंदेली। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावलिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि अथवा प्रतीकात्मक लिपि। और सही उत्तर है विकल्प सी चित्रलिपि। निम्नलिखित में से भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, मलयालम, गुजराती अथवा हिंदी। और सही उत्तर है विकल्प दो मलयालम। रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, रूसी, फ्रेंच अथवा हिंदी। सही उत्तर है विकल्प ए जर्मन।
हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 अथवा 14 सितंबर 1955? और सही उत्तर है विकल्प बी, 14 सितंबर 1949 को। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, मराठी, वैदिक संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत? सही उत्तर है विकल्प तीन, वैदिक संस्कृत। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत अथवा अवहट्ट? और सही उत्तर है विकल्प डी, अवहट्ट। निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा है उड़िया, असमिया, कन्नड़ अथवा बंगला? सही उत्तर है विकल्प सी, कन्नड़। कोसली भाषा के प्रयोक्ता कौन है? कुतुब शाह, सरहपाद, कुतुबन अथवा दामोदर पंडित? और सही उत्तर है विकल्प चार, दामोदर पंडित। बांगरू कहाँ बोली जाती है? अलीगढ़, रोहतक, मेरठ अथवा छपरा? और सही उत्तर है विकल्प बी, रोहतक में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी अथवा रेखता? और सही उत्तर है विकल्प ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ अथवा बृहस्पति नीति सार? और सही उत्तर है विकल्प बी, अष्टाध्यायी। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? य, प, ज्ञ अथवा क्ष? और सही उत्तर है विकल्प एक, य। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास पर आधारित कुल 40 प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। PDF तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, बातें साहित्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।